कृषि कानून को लेकर जहां पूरे देश में, पूरे भारत में जहां पे धरना लगाया जा रहा है, आंदोलन जारी है, आज 13वें दिन में ये आंदोलन प्रवेश कर चुका है और कहीं ना कहीं आज भारत बंद का भी ऐलान किया गया था, जिसके समर्थन में आज यहां पे लोग उतरे हुए हैं। कई अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग संस्था के लोग यहां पे आए हुए हैं आज किसानों के फेवर में, वो उनका साथ देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए। आज हमारे सामने यहाँ पे एक पहुँची हुई है जो कि जॉब करती हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने भारत बंद का साथ दिया है, और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मोदी को अपने जो कानून पास किया है उसने, उसको वापस लेना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिले, और हमारे किसान जो इतनी दूर बैठे हुए हैं दिल्ली शंभू बॉर्डर में, उनको वापस आना है और जीत के आना है, और हम चाहते हैं कि वो जीत के आए यहाँ पे, ऐसे नहीं आएंगे, मर के आएंगे, जीत के आएंगे। देखिए, पहले बंद हुआ था लॉकडाउन के तौर पे कोरोना वायरस के खिलाफ, आज ये लॉकडाउन या बात बंद कह लीजिए, अहंकार का जो वायरस है, जो डेमोक्रेसी को मारने वाला है, डेमोक्रेसी के लिए घातक है, जो बीजेपी सरकार जिससे इन्फेक्टेड है अहंकार से, उसको ख़त्म करने के लिए आई होप ये हमारे वाला लॉकडाउन, जो किसानों का लॉकडाउन है, ये ज़्यादा कामयाब रहेगा पहले लॉकडाउन से, पर सरकार का अहंकार खत्म होगा, किसानों की मांगे मानी जाएंगी, काले कानून वापस लिए जाएंगे और किसान अपना जाके फसल से। और आज ये भारत बंद जो है उसके बाद आज क्या लगता है कि ये बातें पहुँचेंगी कि नहीं मोदी सरकार के कानून में, जो ये भारत बंद हुआ उसका फैसला? देखिए, लोकतांत्रिक प्रोसेस है, कल की अगर स्पीच को अगर देखा जाए, जो मन की बात आगरा में मेट्रो के संबंध में जो मोदी साहब बोल रहे थे, तो उनके हर एक शब्द में से अहंकार ठमक रहा था, किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं। इन हालात में मैं नहीं समझता कि कल की जो वार्ता है सिरे चढ़ेगी, और कोई भी वार्ता तब तक सिरा नहीं चढ़ेगी जब तक वार्तालाप किसानों से बातचीत में मोदी साहब या अमित शाह जी नहीं बैठते। इन लोगों के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, ड्यू रिस्पेक्ट बड़े काबिल हैं पीयूष गोयल जी भी, तोमर साहब भी, सोम प्रकाश जी भी, बट दे आर पपेट्स इन द हैंड ऑफ। एक लाइन आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं किसानों को कहूँगा कि वो ये लड़ाई लंबी है, बड़े जागरूक रहें, हर किस्म के हथकंडे अपनाए जाएंगे उनकी इस एकता को तोड़ने के लिए, जागरूक रहें परंतु और शांतिपूर्वक अपनाइए लोकतांत्रिक कंधे। और एक लाइन केंद्र सरकार को आप क्या कहेंगे? केंद्र सर शुड गेट डाउन फ्रॉम द हाई हॉर्स, अहंकार छोड़ के किसानों की सुने, साहूकार बंधुओं को उनके घर पर बैठने दें, किसानी किसानों का काम है, ये ठेके पर नहीं दी जा सकती। आप डटे हैं मोदी तो बरखला, मोदी ने बहुत गलत काम किया है, मोदी ने आज तो जो 300 400 साल पहला पीछे मैं गल करना, उस टाइम गुलाम सी देश, 700-800 साल गुलाम रहा देश, मोदी ने याद होना चाहिए, ये सिखा ने आजाद कराया देश, 95% सिखा ने कुर्बानियां करके देश को आजाद कराया, इसने सिखा दे गलों से आरी फेरी है, उन्होंने सारे काम काज खोले, सारे जो बड़े बड़े बिजनेस सारे बेचते मोदी ने, मोदी ने याद होना चाहिए पहला गुलाम देश जी ये सिखा ने आजाद कराया, सिखा नाल जाति कर रहा, सारे किसान बिना मजदूरों नाल सब नाल जाति कर रहा, इसको खबरदार होना चाहिए है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।